कांग्रेस को समाप्त करने के लिए किसी दुश्मन की आवश्यकता नहीं है, राहुल गांधी ही पर्याप्त हैं। राहुल गांधी राजनीति में पप्पू हैं और सत्य को सत्य कहना अगर अपराध है तो बराक ओबामा ने अपराध किया है। ये बताइए सर, अभी एक चीज़ है बहुत चर्चा में है, बराक ओबामा जो पूर्व राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने एक टिप्पणी की राहुल गांधी को लेकर अपनी किताब में। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी एक अयोग्य बालक की तरह हैं। इस पर कांग्रेस के जो बाकी नेता थे उन्होंने खुलकर कहा कि एक विदेश के नेता को इस तरह से देश के नेता पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये सर सही है इस तरह की टिप्पणी, या फिर आप समझते हैं कि उनकी जो उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है? सत्य को सत्य कहना अगर अपराध है तो बराक ओबामा ने अपराध किया है। इस बात को मैं भी तो कहता था, कांग्रेस को समाप्त करने के लिए किसी दुश्मन की आवश्यकता नहीं है, राहुल गांधी ही पर्याप्त हैं। और जब मैं राहुल गांधी को पप्पू कहता था तो मेरे बात को फिर भी विवादित किया जाता था। राहुल गांधी राजनीति में पप्पू हैं, जो साक्षी महाराज कहते थे तो फिर इसे दुनिया का विवाद खड़ा करना और बहस हो गई, हो गया। अब बराक ओबामा ने कह दिया तो बोले बाहर के आदमी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन सत्य तो सत्य है, सूर्य निकलेगा कौन नकारेगा, रात्रि आएगी तो कौन नकारेगा। तो जो स्थिति राहुल गांधी जी की है उसके बारे में अगर उन्होंने टिप्पणी की है तो सही टिप्पणी। तो आप इसको इस नज़र से देखते हैं कि आपकी बात पर मुहर लगा दी गई। आपसे लेकर आपकी सरकार खुलकर आतंकवादियों के खिलाफ बोलती रही है और बोलती आ रही है। सर ये बताइए, अभी 26/11 की बरसी निकली है, ये बताइए सर, हिंदू आतंकवाद या हिंदू टेरर जैसे शब्द जो गढ़े गए, जो कांग्रेस ने दिए ऐसी कहावत, ये सर बताइए इससे आप क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं? ये कुछ है ऐसा शब्द हो सकता है? ये शब्द हमने नहीं गढ़े, ये कांग्रेस की बात, ये कांग्रेस ने हिंदू समाज को, साधु महात्माओं को बदनाम करने के लिए हिंदू कट्टरवादी, हिंदू आतंकवादी जैसे शब्द केवल गढ़े ही नहीं, हिंदुओं के धर्मचारियों को जेल में बंद भी किया, उन्हें प्रयास भी किया और उसके बाद माननीय न्यायालय दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। तो हिंदू कभी आतंकवादी हो ही नहीं सकता। हिंदू सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, इसमें विश्वास करता है। इकलौते विश्व में हम हैं, इकलौते, हमारी तरफ देखिए, इकलौते हम हैं भारतवासी जो अपने मंच से कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं। हमारे महर्षि दयानंद विवेकानंद ने कहा था कृणवंतो विश्वमारियम, हम विश्व को श्रेष्ठ करना चाहते हैं। हम संकीर्णता वाले व्यक्ति नहीं है, हम लोग तो चाणक्य के शिष्य हैं। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम्। हम इस परंपरा के, ये जो हिंदू टेरर वाली बात आती है कांग्रेस के छोटे नेता बड़े नेता कहीं ना कहीं से तो निकल कर आती है, आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस जो है वो हिंदुओं से नफरत करती है? कांग्रेस प्रारंभ से ही हिंदुओं से नफरत करती है। लेकिन राहुल गांधी तो और देश का बंटवारा उसी नफरत का कारण हुआ। इस कांग्रेस ने देश का बंटवारा कराया, बंटवारा कराने के बाद भी कोई निस्तारण नहीं हुआ। कांग्रेस ने कांग्रेस कश्मीर की, कश्मीर भी कांग्रेस की ही देन थी, तो कांग्रेस ने हर संभव प्रयास किया। कांग्रेस ने महाराणा प्रताप के बारे में तो नहीं बताया, शिवाजी के बारे में तो नहीं बताया, शहीदों के बारे में तो नहीं बताया। अकबर महान था, किताबों की बात कर रहे हैं? हाँ किताबों की बात कर रहा हूँ, क्यों कि सब वही तो एजुकेशन मिनिस्टर होते रहे तो उल्टा सीधा सारे का सारे लिखते रहे। इस देश का इतिहास दोबारा लिखा जाना चाहिए, मैं मोदी जी से आग्रह करूँगा आपके चैनल के माध्यम से। हाँ तो वो तो किताबों में भी कोर्स जो है बदला जा रहा है, सड़कों के नाम बदले जा रहे हैं, यहाँ तक कि जगहों के नाम भी बदले जा रहे हैं, बदले भी जाने चाहिए। सर अगर वो नफरत ही करते हैं तो राहुल गांधी तो कभी जनेऊ डाल के मंदिर में दिखते हैं, कभी शिवलिंग पे दूध चढ़ा रहे होते हैं, तो ये क्या है, ये दिखावा है? ये तो गिरगिट भी शर्मा गई राहुल गांधी के आगे, इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलती है। कभी तिलक लगा लेंगे, कभी दुपट्टा ओढ़ लेंगे, कभी क्रास गले में डाल लेंगे, वो गंगा पे गंगादास, जमुना पे जमुनादास, वो इस प्रकार के अपना जो नाटक करते हैं उस नाटक को दुनिया जान गई है, भारत जान गया है, उसका परिणाम है। तभी मैंने आपसे कहा कांग्रेस को समाप्त करने के लिए हमारे माननीय राहुल गांधी पर्याप्त। तो आप चाहते हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष बन जाएं कांग्रेस के? अध्यक्ष रहें, सुप्रीम रहें, सर्वे सर्वा रहें, वही सब कुछ रहें,
हम लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बीजेपी को किसमें फायदा दिखता है कि कांग्रेस का गांधी परिवार से अलग हटके कोई नेता अध्यक्ष बने या फिर राहुल गांधी ही अध्यक्ष बने, किसमें आपको अपना फायदा दिखता है? नहीं, हमारे फायदे से नुकसान से कुछ नहीं है, वहाँ तो गांधी परिवार के अलावा कोई हो ही नहीं सकता, तो एक परिवार की पार्टी है और सभी कांग्रेसी एक परिवार के गुलाम हैं।